20 फरवरी 2016 जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर लश्कर ए तैयबा के चार मिलिटेंट्स ने AK-47 असोल्ट राइफल्स और हैंड ग्रेनेड्स के साथ CRPF के एक काफिले पर हमला किया। इस हमले में CRPF के दो जवान शहीद हो गए और एक आम नागरिक की मौत हो गई। इसके बाद मिलिटेंट भागकर पंपोर में EDI की एक सरकारी बिल्डिंग में छिप गए। उस वक्त बिल्डिंग में लगभग 120 कर्मचारी और स्टूडेंट्स मौजूद थे। ऐसे में सेना और CRPF ने इलाके को पूरी तरह कॉर्डन कर लिया, लेकिन एजेंसीज की पहली प्रायोरिटी बिल्डिंग में मौजूद लोगों को बाहर निकालना था। इसके लिए एजेंसीज मिलिटेंट्स के साथ नेगोशिएशन करने में जुट गई और आखिर में लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाब रही। वहीं बिल्डिंग में छिपे मिलिटेंट्स फोर्सेस पर ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ फायरिंग कर रहे थे और हैंड ग्रेनेड फेंक रहे थे। दोस्तों, इस बिल्डिंग में 44 कमरों के साथ ही कई वॉशरूम, लॉबी और टॉप फ्लोर पर एक रेस्टोरेंट था। इतनी बड़ी बिल्डिंग में मिलिटेंट्स ने कहां एम्बुश लगा रखा है और कहां पोजीशन लेकर हमारा इंतजार कर रहे हैं, इसका कोई पता नहीं था। ऐसे में मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए डेजर्ट स्कॉर्पियंस कहे जाने वाले 10th पैरा के कमांडोज को बिल्डिंग में भेजा गया। इन कमांडोज ने एक मिलिटेंट को मार गिराया, लेकिन इसी दौरान पैरा कमांडो कैप्टन पवन कुमार बुरी तरह घायल हो गए और सेना अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। हरियाणा की जींद के रहने वाले 22 वर्षीय कैप्टन पवन कुमार 3 साल पहले ही सेना में शामिल हुए थे और उन्होंने इससे ठीक पहले 2 सक्सेसफुल ऑपरेशंस में हिस्सा लिया था, जहां 3 मिलिटेंट्स मारे गए थे। कैप्टन पवन की शहादत के अगले दिन यानी 21 फरवरी को 9th पैरा SF को फाइनल असोल्ट का जिम्मा दिया गया, जिसे बखूबी पूरा करते हुए पैरा कमांडोज ने बचे हुए 3 मिलिटेंट्स को मार गिराया और 48 घंटों से चल रहे इस घमासान को खत्म किया। लेकिन इसके लिए सेना को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी और 9th पैरा SF के 2 जाबाज कमांडो कैप्टन तुषार महाजन और लांस नायक ओम प्रकाश को खो दिया। दोस्तों, ये ऑपरेशन कितना खतरनाक था, इसका अंदाजा आप इस बिल्डिंग के ऑपरेशन से पहले और बाद की तस्वीर देखकर लगा सकते हैं। वहीं कैप्टन पवन कुमार के पिताजी को जब उनके बेटे की शहादत की खबर दी गई तो उन्होंने कहा, मेरा केवल एक बच्चा था और मैंने उसे देश को सौंप दिया। किसी पिता के लिए इससे बड़ी गर्व की बात और क्या हो सकती है। बाद में कैप्टन पवन कुमार, कैप्टन तुषार और लांस नायक ओम प्रकाश को उनकी वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए शौर्य चक्र दिया गया। साथ ही जम्मू कश्मीर के उधमपुर के रहने वाले कैप्टन तुषार के नाम पर उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम साल 2023 में शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया। दोस्तों, अमेरिका पर हुए 9/11 अटैक के बाद आज तक कोई दूसरा हमला नहीं हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ आए दिन किसी न किसी आतंकी हमले में हमारे जवान शहीद होते रहते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में बता सकते हैं। वहीं आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।